वेलकम टू करियर प्लानट वी आर स्टडिंग आर चैप्टर बायो मॉलिक्यूल तो बच्चों बायो मॉलिक्यूल हमारा 90 परसेंट तक कंप्लीट हो चुका है बहुत कम टॉपिक बच्चे लाइक जो बायोलॉजी से रिलेटेड है यानी हमें पढ़ना है आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड बहुत कम टॉपिक हमारा रिमेनिंग है बच्चों मेन मेन पार्ट जो क्वेश्चन आता है बायो मॉलिक्यूल में वो आता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ना उन उनपे क्वेश्चन बनेगा आपका अगर बोर्ड एग्जाम्स है तो आफ्टर दैट प्रोटीन खेदी क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन के प्रकार पे रेशेदार प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन पढ़ाता हमने ग्लोब्युलर प्रोटीन गोली कम है प्रोटीन उन दोनों में अंतर प्रोटीन की संरचना प्राथमिक संरचना द्वितीयक संरचना तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना या फिर प्रोटीन का विकृतिकरण किसे कहते हैं इन अच्छे क्वेश्चन आते हैं या फिर विटामिन विटामिन के रासायनिक नाम विटामिन विटामिन के सोर्सेज और हर विटामिन की कमी से होने वाला रोग अब आज का टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं आया तो उसमें से पूछ लेगा तो न्यूक्लिक एसिड में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डी का स्ट्रक्चर है ना वो भी आप मन से लिखेंगे अपने टेंथ लेवल के बेसिस पे तो ओके डीएनए आरएनए में अंतर और थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला बेस्ड है कि भाई न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना दो न्यूक्लियोसाइड की संरचना बना दो या पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना दो तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड अब बच्चों बाय नेचर हमें लग रहा है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस नाभिक एसिड मतलब अम्लीय प्रकृति तो वे रासायनिक पदार्थ या वे कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति में अम्लीय है और नाभिक यानी केंद्र के अंदर पाए जाते हैं मोस्टली केंद्र के अंदर ही मिलेंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर जिसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया मवाद कोशिका पस सेल्स पस पर जाता है घाव होता है तो, तो मवाद कोशिकाओं के अंदर उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया अब बच्चों न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा होगा एक डीएनए और एक आरएनए तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए क्या है राइबो न्यूक्लिक अम्ल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है है ना जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है डीएनए लेकिन आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं अब डीएनए आपको मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर ही मिलेगा कुछ मात्रा में कुछ सेल्स के पास अपना भी डीएनए होता है सेल के अंदर लाइक like, कुछ सेल के पार्ट्स के पास अपना भी डीएनए होता है लाइक माइट्रोकॉन्ड्रे उसमें खुद का सेल्फ डीएनए होता है पर्णहरित या क्लोरोफ्लास्ट उसमें भी खुद का डीएनए होता है बाकी डीएनए एन कहाँ होता है तो कोशिका के केंद्र आर एन ए जनरली सेल साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म साइटो या सेल ल्यूड या कोशिका द्रव्य के अंदर आर एन ए पाया जाता है अब हमें इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि भाई डी एन ए क्या है स्ट्रक्चर क्या है हमें केमिस्ट्री के बेसिस पे इसको डिस्कस करना है तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल तो न्यूक्लिक अम्ल यानी वे कार्बनिक यौगिक जो प्रकृति में क्या है अम्लीय क्योंकि हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एसिड है, है। प्रकृति में अम्लीय है तथा केंद्रक में पाए जाते हैं अब आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल अब सर्वप्रथम मिशर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया डिस्कवर किसने किया तो हम कहेंगे फ्रेडरिक मिशर ठीक है अब न्यूक्लिक अम्ल हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं एक तो डीएनए दूसरा आरएनए तो बच्चों डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए तो हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए मोस्टली नाभिक में होता है कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि आर एन ए मोस्टली कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है तो डीएनए होता है केंद्रक ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में भी और आर एन ए जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है क्वेश्चन में डिफरेंस पूछे कि डीएनए आर एन ए में अंतर लिखो तो आप ये लिख सकते हैं अब बच्चों स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अगर रासायनिक संरचना बोले तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दोनों में पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई न्यूक्लिक अम्ल का जलावघटन करो तो न्यूक्लिक अम्ल का जलावघटन करने पर न्यूक्लियोटाइड आपने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा छोटी क्लास में दो एंटी है ना स्पाइरल ऑर्डर में एक दूसरे को क्रॉस uh, करती हुई दो जब तुम न्यूक्लिक अम्ल का जल अवघटन करने जाओगे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेगी अब बच्चों अगर न्यूक्लियोटाइड का जल अवघटन करेंगे तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड और अम्ल और न्यूक्लियोसाइड अपने आप में क्या है तो हम कहेंगे शुगर और कार्बनिक क्षार तो कुल मिला के तीन चीजें हैं बेसिक जहां से मैं कहूं पूरा डीएनए बनाओ रासायनिक रूप से तो तुम कहोगे एक तो शुगर की जरूरत है एक कार्बनिक क्षार आपने पढ़ा होगा कार्बनिक क्षार होता है प्यूरिन और पिरामिडिन प्यूरिन और पिरामिडिन ठीक है अब प्यूरिन जो होता है वो होता है एजी एडेनिन और ग्वेनिन पिरामिडिन होता है थायमिन और साइटोसिन तो हम कहेंगे अच्छा डीएनए अगर हमें डिजाइन करना है बनाना है लैब में तो एक जरूरत तो है शुगर पांच कार्बन वाली शुगर होती है राइबोट शुगर अब डीएनए है तो डी ऑक्सी राइबोट शुगर और आर है तो राइबोट शुगर तो मतलब ले देखे फाइव कार्बन वाली शुगर तो चाहिए देन मुझे कार्बनिक शार चाहिए प्यूरिन साइटोसिन कुछ भी नाइट्रो नाइट्रोजनिक शार चाहिए उसके बाद हम कहेंगे ये दो तो मिलके न्यूक्लियोसाइड ही बना रहे है ना अब तीसरा जो ग्रुप चाहिए वो मुझे चाहिए जल अवघन करूँ तो तुम कहोगे वो खुद तो पॉली न्यूक्लियोटाइड है।, है जैव बहुलक है आपको जलअन पर न्यूक्लियोटाइड देगा न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं एक नाइट्रोजन शार एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप तो बेसिक ढांचा जो है बच्चों वो है आपका तीन चीजों का न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना तो हम कहेंगे भी पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड के ढांचे में बेसिक संरचना में क्या है तो हम कहेंगे देखो एक तो है शुगर ठीक है अब डीएनए आरएनए में अलग-अलग शुगर होती है लेकिन शुगर तो है पेंटोज शुगर अब बच्चों एक शुगर दूसरी शुगर से जुड़े तो बीच में मुझे चाहिए फॉस्फेट ग्रुप फिर यहां क्या आ जाएगा शुगर Again, group. तो बना रहे हैं, तो हम बहुत सारे बना रहेगा तो रहे जुड़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस बेस ठीक है एनबी मतलब तो हम कहेंगे एनबी है नाइट्रोजीनी तो देखो बेसिक ढांचा जो है बच्चों डीएनए आर एन ए का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजें हैं पहला शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है फिर शुगर नाइट्रोजिनस बेस और शुगर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो दो जोड़ दिए तो डाई न्यूक्लियोटाइड तीन जोड़ दोगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड तो मेरी बात समझ में आ गई एक बार वापस से बता देती हूँ सारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या न्यूक्लिक अम्ल वही कार्बनिक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति के हैं न्यूक्लियस के अंदर शुरू में तो यही पता था कि केंद्र के अंदर होते न्यूक्लियस के अंदर होते इसलिए नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड फिर आपको पता है डीएनए आरएनए है तो डीएनए तो जेनेटिक मटीरियल है आनुवंशिक गुणों के लिए क्या है उत्तरदायी है है ना हर आदमी का अपना पर्टिकुलर डीएनए होता है डीएनए सेम नहीं हो सकता है है ना डीएनए से हम पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्राइम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल ठीक अब बच्चों सबसे पहले डिस्कवर किया था मिशर नामक वैज्ञानिक ने है ना पस सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड उसने निकाला फिर मैंने आपको बताया दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस में आर एन के अंदर अब मैंने कहा कि जलअ गठन करो तो आप कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल का जलअ गठन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोसाइड मतलब दो का कॉम्बिनेशन है ना न्यूक्लियोटाइड टाइड मतलब तीन का कॉम्बिनेशन तो आपसे पूछो न्यूक्लियोसाइड क्या है तो तुम कहोगे कि शुगर और कार्बनिक क्षार को जोड़ दो कार्बनिक शार और शुगर शर्करा को जोड़ दो तो न्यूक्लियोसाइड अब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल तो आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का जल अवगठन कराओ अमोनिया की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पे तो हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड बनेगा न्यूक्लियोटाइड का जल जलोगटन कराओ न्यूक्लियोसाइड बनेगा एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड क्या है तो हम कहेंगे शुगर है और कार्बनिक शार अब क्लियर अब स्ट्रक्चर बनाना है अब बच्चों तो हमने कहा मेन मेन तीन चीजें हो गई नाइट्रोजनी शार शुगर फॉस्फेट ग्रुप अगेन नाइट्रोजनी शार शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो न्यूक्लिक अम्ल के जल अवघन से तीन प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं पहला तो हम कहेंगे पहला है शुगर दूसरा तो हम कहेंगे शुगर, नाइट्रोजनी शाह और तीसरा तो हम कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H3PO4 आएगा कहां से फॉस्फेट ग्रुप तो हम कहेंगे फॉस्फोरिक अम्ल से तो थर्ड वन इज एच थ्री शुगर कौन सी है तो बच्चों मैंने आपको कहा था दोनों में पेंटोड शुगर है चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो दोनों में पांच कार्बन युक्त शर्करा है तो, शर्क तो पेंटोड शुगर है अब डीएनए में जो शुगर है आरएनए में जो शुगर है वो तो है राइबोट शुगर और डीएनए में जो शुगर है वो है टू डी ऑक्सी राइबोट शुगर ठीक है तो भाई आरएनए में राइबोज शर्करा है डीएनए में टू डी ऑक्सी राइबोज शुगर अब नाम से सोचो टू मतलब सेकंड कार्बन पे डी मतलब डिफिशियंसी डिलीट करो किसको ऑक्सी ऑक्सीजन को डिलीट कर दो सेकंड कार्बन पे बाकी स्ट्रक्चर राइबोट शुगर जैसा ही है तो अगर मैं कहूँ राइबोट शुगर बनाओ या टू डी ऑक्सी शुगर बनाओ तो सिर्फ C2 दो नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन रखना है तो राइबोस नहीं रखना है तो डी शुगर अब दोनों बीटा फॉर्म में होती है दोनों फ्यूरेनोज वलय के रूप में क्योंकि पांच कार्बन वाली शुगर है फ्यूरेनोज वलय के रूप में होती है और दोनों बीटा आइसोमर से तो अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों राइबोट शुगर बनाओ तो आपको पता है राइबोट शुगर पांच कार्बन वाली शुगर है तो ये आपका हो गया C1, C2, C3, C4, फिफ्थ कार्बन आपका ऊपर हो जाएगा सी अब बीटा फॉर्म में है तो ओ एच ऊपर रखेंगे नीचे, और पे H रहेगा। तो ये हो गई आपकी राइबो शुगर राइबो शर्करा ठीक अब मैं कहूँ कि चलो ये तो राइबो शर्करा बनाई आप ऐसा करो डी ऑक्सी राइबोड शर्करा बनाओ तो आपको कुछ भी नहीं कहना है C2 टू कार्बन पे ऑक्सीजन कम कर दो टू डी ऑक्सी टू पे डिलीट कर दो ऑक्सीजन को तो टू मतलब C2 टू कार्बन पे तो हम सेम स्ट्रक्चर बना दें फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर देन C1 C2 C3 C4 एंड C5 बीटा फॉर्म में है बच्चों तो ओ एच एंड एच अगेन एच ओ एच एच ओ एच और ये तो ये तो राइबोस बन गया है ना हमें क्या बनाना है टू डी ऑक्सी राइबोस बनाना है तो हमें यहां से सिर्फ ऑक्सीजन को उड़ाना है हम यहां है एच बना देंगे तो ये शुगर हो जाएगी हमारी टू डी ऑक्सी राइबोस शुगर ठीक है तो आपसे पूछे डी एन ए शुगर कौन सी है तो आप ये बना देना और अगर आपसे पूछे कि भाई आर एन ए शुगर कौन सी है तो आप ये बना देना ठीक है तो ये बीटा आइसोमर है तो बीटा राइबोज और इसे आप लिख सकते हैं बीटा टू डी ऑक्सी राइबोज शुगर क्लियर कोई तकलीफ नहीं अब बच्चों फास्फोरिक अम्ल अब देखो दो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो हमने पढ़ा था दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू तो शुगर तो हमने बना दी शुगर और शुगर को हम जोड़ेंगे फॉस्फेट के साथ ठीक है तो दूसरा स्ट्रक्चर फॉस्फेट हो गया तीन बेसिक कंटेंट क्या है तीन है एक राइबोट शुगर या डी राइबोट शुगर मतलब शुगर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है ना आएगा कहाँ से फॉस्फोरिक एसिड से और तीसरा है बच्चों नाइट्रोजनी शार तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजनी शार दो प्रकार का होता है एक प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन तो हम लिख देते हैं एक तो हो गया प्यूरिन ठीक है एक लिख दिया पिरामिडिन अब बच्चों प्यूरिन प्यूरिन दो प्रकार का होता है फर्स्ट वन एडिनिन, सेकेंड वन ग्वानी। पिरामिडीन भी दो प्रकार का होता है तो हम गएंगे थायमीन और साइटोसिन शार दो प्रकार के होते हैं प्यूरीन, 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 और 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 साइटोसिन आपसे पूछे दो नाइट्रोजनी शार कौन से तो आपको ध्यान रखना है, एजी ग्वानिन कनेक्ट नहीं करना आपस में कनेक्ट अलग है ना? जो है ना वो एडेनिन और टी कनेक्ट होता है, गौनीन, साथ गौनीन, साथ होता है। लेकिन एजी मतलब कनेक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ तक दिक्कत नहीं अब इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको नहीं बनाने है ना इतना डिटेल में आपको जरूरत भी नहीं है नहीं पूछा जाता नाउ स्टूडेंट्स न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तो हम गएंगे भी पहले न्यूक्लियोसाइड बना लेते तो न्यूक्लियोसाइड क्या था तो हमने कहा था न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप को कनेक्ट सॉरी कार्बनिक क्षार को कनेक्ट करना था शुगर के साथ है ना तो कार्बनिक क्षार मान लो मैंने डीएनए का शुगर ले लिया तो डीएनए आरएनए की शुगर में आपको पता है सिर्फ एक ही फर्क रखना है C2 पे हमें ऑक्सीजन का ध्यान रखना है तो मैंने आपको कहा डीएनए शुगर ले लो बीटा फॉर्म है, है ना डीएनए शुगर ले लो तो दोनों जगह यहां पे आपको H रखना है सिर्फ इतना ध्यान रखना है देन एच ओ एच और डीएनए तो शुगर ले ली अब अगर तुमने सीवन कार्बन पे क्या किया तो बच्चों सीवन कार्बन पे आपको क्या करना है सीवन कार्बन पे हमें नाइट्रोजनी शार को कनेक्ट करना है तो न्यूक्लियोसाइड कहते किसे है? तो हमने लिखा नाइट्रोजनी शार नाइट्रोजीनियस बेस किस पे कनेक्ट करना है सीवन पे है ना किसके साथ शुगर के साथ तो ये होगी आपकी न्यूक्लियोसाइड की संरचना ठीक है अब आरएनए शुगर लेनी हो बच्चों तो आपको पता है सिर्फ यहां ऑक्सीजन लगा दो तो आरएनए शुगर हो जाएगी तो ये न्यूक्लियोसाइड है इसमें दो चीजें हैं शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अगर मैं पांच नंबर वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट कर दूं समझे ना मैं डीएनए के तीन ढांचे बताओ न्यूक्लियोटाइड के तीन ढांचे बताओ तो पहला शुगर कौन सा शुगर तो हम लेंगे कि अगर आरएनए शुगर बनानी है तो दोनों जगह एच और o H लगाओ नहीं तो डीएनए शुगर के लिए दोनों जगह एच लगा दो ठीक है फिफ्थ कार्बन ऊपर रहता है तो ये है शुगर समझ मेरी बात पहले तुमसे पूछे डीएनए शुगर बनाओ तो ये डी ऑक्सीडाइड शुगर बना दो फिर हो कह नहीं डीएनए शुगर मत बनाओ न्यूक्लियोसाइड बनाओ तो बच्चे C1 कार्बन पे तुम क्या कर देना नाइट्रोजनी शार को जोड़ देना तुम्हें सिर्फ लिखना है एनबी

तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड की संरचना ठीक है तो न्यूक्लियोसाइड शुगर के सीवन पे नाइट्रोजनी ईशार न्यूक्लियोटाइड तो सीवन पे नाइट्रोजनी ईशार और सी फाइव पे फॉस्फेट ग्रुप अब वो कह नहीं दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ो तो दो शुगर को जोड़ेंगे मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड तीन जोड़ देंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड तो आपको केमिस्ट्री वे में क्या करना है डीएनए पढ़ना है तो डीएनए सबको पता है दो पैर पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है पर उन पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का फॉर्मूला क्या है आपको पता है हर चीज का फॉर्मूला होता है तो डीएनए का फॉर्मूला क्या है तो हम कहेंगे ये है ना अब आगे बढ़े अब आपसे कहा गया अच्छा न्यूक्लियोटाइड तो हमने पहले ही पढ़ लिया न्यूक्लियोसाइड तो है ही पांच नंबर वाले कार्बन पे क्या करो फॉस्फेट ग्रुप एक बार वापस बना लेते सबसे पहले डीएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम डीएनए यूज कर रहे हैं ना हर बार हमने क्या किया है डीऑक्सी राइबोट शुगर बनाई है सी थ्री सी फोर और सी फाइव अब आपको पता है C1 पे तो हमें जोड़ना था नाइट्रोजनी C2 पे हमें दोनों H रखने हैं क्योंकि डीएनए शुगर है C3 पे एच ओ एच है C4 पे एच C5 वाले कार्बन पे आपको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब आप अच्छे से समझ में आ गया बना लोगे एग्जाम में न्यूक्लियोटाइड की संरचना अब बच्चों आपसे कहा जाए कि चलो न्यूक्लियोटाइड तो आपने बना दिया आप ऐसा करो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाओ तो पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाओगे दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ के दिखा दो तो हम कहेंगे ठीक है अब आई थिंक तुम्हें न्यूक्लियोटाइड बनाना तो आगे है ना अगर मैं कहूँ न्यूक्लियोटाइड बनाओ तो तुम न्यूक्लियोटाइड तो आराम से बना लोगे अब तुम्हें ध्यान रखना है दो न्यूक्लियोटाइड बना के बताओ तो हम कहेंगे C1 पे है नाइट्रोजन ही शार यहाँ एच ही शुगर है तो दोनों H यहाँ H यहाँ OH देन ये पांचवा कार्बन यहाँ पे सी एच टू और ये फॉस्फेट ग्रुप ये आगे जाके कनेक्ट होना है ठीक है एक और न्यूक्लियोटाइड बनाओ तो कहेंगे ये लो सी वन पे आपका नाइट्रोजन शार रेडी है है ना डी एन ए शुगर अगेन दोनों एच ये एच हो गया ये ओ एच हो गया ये हमारा फिफ्थ कार्बन यहाँ है सी एच टू और ये फॉस्फेट तो बच्चों इसका तो C5 और इसका C3 आपस में कनेक्ट हो जाएगा ग्रुप के थ्रू समझे एक शुगर का C3 दूसरी शुगर का C5 है ना ये पांचवा कार्बन है अब ये C3 तो ये आगे वापस कनेक्ट हो जाएगा तो मैं यहां फॉस्फेट बना लेती हूं ये तीसरे से जाके कनेक्ट हो जाएगा क्ये? और ये तो है ही हमने बनाया ही है खुला ऐसे तो एक शुगर का C3, दूसरे का C5 आपस में जोड़ा और इस बॉन्ड का नाम है बच्चों फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज ठीक है तो जैसे तुम पढ़ते थे डाई सेकेराइड पॉलीसेकेराइड उनमें कौन सी लिंकेज है तो हम कहते थे तो उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है सिमिलरली बच्चों इसमें कौन सा लिंकेज है तो हम कहेंगे ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है तो अगर तुम ये फॉस्फेट नहीं लगाओगे है ना और इसको सीधा क्या करोगे ओ एच OH लिख दोगे तब तो ये होगा डाई न्यूक्लियोटाइड की संरचना और लगा दोगे तो आगे से आगे कनेक्शन चल रहा है तो हो जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना तो यहां अगर मैं नहीं लगाती हूं तो मैं लिख देती हूं डाई न्यूक्लियोटाइड ठीक है तो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है डाई न्यूक्लियोटाइड पूछे तो इन दो को कनेक्ट कर देना और बच्चों पॉली न्यूक्लियोटाइड पूछे तो कुछ मत करना इसके आगे फॉस्फेट लगा देना क्योंकि तुम्हें पता है सीथरी आगे जोड़ रहा है शुगर से फॉस्फेट के थ्रू तो यहां फॉस्फेट लगा देना तो वो हो जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीएनए की आणविक संरचना अच्छा। है ना डीएनए का स्ट्रक्चर तो अब आपने पढ़ा होगा डीएनए का अब बोलते है डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इस तरह से एंटीपल ऑर्डर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है सेकेंड भी बना लेते हैं योगी दो आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ एंटीपैल ऑर्डर में जुड़ी रहती है। अब जो ये कुंडली है डीएनए की ठीक है इस कुंडली में आप क्या देखोगे तो हम कहेंगे डॉट करके बनाने दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। फिर साइटोसिन गिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है ठीक है हालांकि तुम्हें बायोलॉजी का लग रहा है लेकिन बच्चों जई वगैरह में भी इस इसमें बेस क्वेश्चन है तो मैं डीएनए का एक टुकड़ा दे देगा दे और तुम्हें कहेगा दूसरे टुकड़े का डिजाइन बना कुछ भी नहीं करना है तुम्हें बताना चाहिए ए के टुकड़ा है अगर आपका टुकड़ा ऐसे दे रखा है ए टी सी जी तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा तो मैं कहूंगी एडीनिन थामिन के साथ जुड़ा है। फिर टी थान तो वापस एडीनिन के साथ जुड़ाए फिर सी साइटोसिन तो ग्वेनिन के साथ जुड़ा है और तो भाई साइटोसिन के साथ जुड़ा है तो कहेगा तुम्हें कि डीएनए का एक पार्ट तो ये है दूसरा बताओ उसका जस्ट अपोजिट वाला तो बता दो तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बढ़ाओगे तभी तो आंसर दोगे अदरवाइज कैसे दोगे तो याद भी रखना है तो एडेनिन थामिन में ये दो बनाए मैंने बॉन्ड डैश डैश करके बनाने दो हाइड्रोजन बॉन्ड सी और जी साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा अब वापस जी सी हो जाएगा ठीक है और टी ए भी हो जाएगा है ना तो आपको हर बार एडेनिन थामिन के साथ दो बॉन्ड था एडेनिन के साथ वापस दो बॉन्ड सी जी के बीच में तीन बॉन्ड इस तरह से आपको शो करना है ठीक है तो हर बार आपको यहां लिखना है ए टी सी जी अब ए का उल्टा टी टी का उल्टा ए सी का उल्टा जी और जी का सी यहाँ दो बॉन्ड यहाँ तीन सॉरी यहां पे भी दो ही बॉन्ड यहां तीन बॉन्ड यहां पे भी तीन अब बच्चों ये डीएनए की एक कुंडली है इस कुंडली का जो लेंथ है वो है चौतीस इंक्स्ट्रॉ अब मैंने यहां पे जितना जगह उतना ही बनाया एक्चुअली एक कुंडली में दस नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है? तो आप एक बनाओ दो बनाओ चार बनाओ, बनाओ डिपेंड। होते हैं, दस होते हैं तो डीएनए की एक कुंडली की और दस शार होते हैं, तो दो नाइट्रोजनी क्षार मतलब दो कपल के बीच का दो पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्री पॉइंट फोर एंस्ट्रॉग और ये जो डीएनए है इसका डायामी तो बच्चों डीएनए का डायामीटर होता है बीस एंस्ट्रा तो बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है तो आपसे पूछे कि भाई कुछ मत बताओ आप तो ऐसा करो डीएनए की आणविक संरचना बता दो तो आपको पता है नोबेल प्राइज विनर थे वॉटसन और क्रिक है ना तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला अब डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है है ना जो डबल स्ट्रैंड होता है जो कि एक अक्ष के चारों ओर सरपीला कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं तो डबल हेलिकल संरचना में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एंटी पैरेलल ऑर्डर में क्या होती है अरेंज्ड होती है ठीक है आफ्टर दैट तो बच्चों डीएनए में एडेनिन हमेशा के साथ कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम गेंगे दो और साइटोसिन के साथ कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तीन फिर एक कुंडली के फेरे की लेंथ एक कॉइल जो हमने पढ़ी थी एक फेरा जो था उसका उसकी लेंथ हो गई थर्टी फोर इंक्स्ट्रा और एक फेरे में दस नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं और इसलिए हमने कह दिया कि भाई दो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी थ्री पॉइंट फोर एंक्ट्रो और डीएनए का जो डायामीटर है वो है बीस एंगस्ट्रॉम तो आई थिंक इतना बहुत है ना तो ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर हो गया आपका अब आता है बच्चों डीएनए और आर एन ए में अंतर कुछ नहीं पूछा एग्जाम में तो बोले लो डीएनए आर एन ए में अंतर छोड़ना नहीं है बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे छोड़ोगे तो लिख दो कोई चार अंतर पांच अंतर अब देखो क्या मैं लिख दू डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन ट्रांसफर होता है तो हम कहेंगे डीएनए डीएनए तो भाई आनुवंशिक पदार्थ है ये जेनेटिक मटेरियल अब ये न्यूक्लिक एसिड है लेकिन जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू तो जनरेशन आ रहे ट्रांसफर नहीं होता है ना ये तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ठीक है तो हम कहेंगे यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है दिस इज नॉट अ जेनेटिक मटीरियल यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है आफ्टर okay. दैट तो बच्चों डीएनए तो हम कहेंगे इसमें टू डी ऑक्सी शुगर कौन सी है तो भी राइबो शुगर है बीटा फॉर्म में वो तो उसमें भी है है ना तो डीएनए में क्या है टू डी ऑक्सी टू डी ऑक्सी शुगर पाई जाती है ठीक तो डीएनए में टू डी ऑक्सी राय शुगर होती है अब बच्चों आ में तो हम कहेंगे आर एन ए में ओनली रायबोट शुगर इसमें रायबोट शर्करा पाई जाती है ठीक तो है तो वहां टू डी ऑक्सी शुगर और यहां हम लिखेंगे रायबोट शुगर ओके अब शुगर है अब क्या करें तो बच्चों डीएनए डीएनए में हमने पढ़ा था एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ता है तो इसका जो नाइट्रोजनी शार है वो थायमिन। आरएनए में थायमिन नहीं होता आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है यूरेसिल होता है तो हम लिखेंगे इसमें थायमिन नाइट्रोजनी क्षार है ठीक है थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार है नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो थाइमीन है और वहां क्या लिखेंगे बच्चों तो हम कहेंगे थाइमीन की जगह इसमें होता है यूरेसिल तो यहां आपको लिखना है इसमें के स्थान पर के स्थान पर यूरिसिल पाया जाता है तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं ठीक है अब बच्चों अभी आपने पढ़ा था डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एंटी ऑर्डर में होती है है ना तो यह डबल स्ट्रैंड होता है ठीक है दो चेन्स होती है इसमें डबल स्ट्रैंड होता है जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो यह सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए डबल स्ट्रैंड है आरएनए तो हम कहेंगे ये सिंगल स्ट्रैंड होता है ओके अब क्या कह सकते हैं हम तो हम कहेंगे शुगर भी हो गया नाइट्रोजन इशार भी हो गया डबल स्ट्रैंड भी हो गया जेनेटिक मटेरियल भी हो गया ठीक है अब बच्चों डीएनए में सेल्फ रैप्लीकेशन आपको पता है एक डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है है ना तो क्लोन वगैरह अगर आपने पढ़ा हो कहीं सुना हो कि एक आदमी है वैसा का वैसा दूसरा आदमी तैयार किया जा सकता है क्योंकि क्लोन बन सकता है क्योंकि डीएनए में रैप्लीकेशन की टेंडेंसी होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रैप्लीकेशन डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं प्रतिकृति का गुण किसमें पाया जाता है है ना खुद का जीरोक्स बनाना अपनी ही कॉपी बनाना तो इसमें प्रतिकृति रैप्लीकेशन का गुण पाया जाता है और वहां क्या लिखेंगे नहीं वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता रैप्लीकेशन टेंडेंसी इसमें नहीं होती इसमें प्रतिकृति नहीं होती ठीक है अब बच्चों डीएनए तो हमने पढ़ा था मोस्टली कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है आरएनए एन होता है तो हम कहेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर होता है ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए आपके डीएनए और आरएनए के अंदर आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं सिंपल सा टॉपिक है डी एन न्यूक्लिक एसिड ठीक है तो एग्जाम में आप अच्छे से कर लेंगे थियरी क्वेश्चंस बनेंगे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पीस वाले क्वेश्चन है ना भाई एडीनिन एक टुकड़े का सीक्वेंस ये है ऑपोजिट का हाँ बताओ अब ये भी ध्यान रखना कि अगर मैं डी एन ए की बात कर रही हूं तो थायमिन है आर एन ए की बात करूंगी तो टी की जगह यू लिखा होगा तो यू लिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ता है आरएनए में थायमिन तो है ही नहीं तो एडिनिन यूरेसिल के साथ जुड़ जाएगा उसमें क्या दिक्कत है बॉन्ड तो उनके पीछे भी दो ही रहेंगे ऐसे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो सिंपल आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से आ गया होगा तो एक लाइक कर देना चैप्टर लगभग खत्म है एक क्लास और ले लूंगी जिसमें आपको एनसीआरटी के क्वेश्चन बता दूंगी हॉर्मोन्स थोड़ा सा बाकी है थोड़ा सा थोड़ा छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं और एनजाइम वही है जो आपने सर्फेस केमिस्ट्री में पढ़ा था तो एक क्लास और डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम थोड़े एनसीआरटी के क्वेश्चन और हॉर्मोन्स और एनजाइम के बारे में जानेंगे तो मिलते हैं अगली क्लास में चिल्ड्रेन टेक केयर एंड कट टाइक